उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को आज 15 दिन हो चुके हैं। इसी बीच सुरंग के बाहर की सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे 12 नवंबर को यहां फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए जारी बचाव अभियान में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि क्षैतिज ड्रिलिंग के लिए आगर मशीन में बार बार खराबी आ रही है और अब बचाव कर्मी लंबवत ड्रिलिंग शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुरंग के अंदर जहां बचाव दल के लोग काम कर रहे हैं, वहां प्रोटेक्शन अम्ब्रेला की तैयारी चल रही है। फंसे हुए श्रमिकों को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए बीएसएनएल द्वारा यहां एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। उत्तरकाशी में कल हल्की बारिश का अनुमान है। आज भी बादल छाए रहेंगे। बचाव दल के लोगों के लिए प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बनाई जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर निवासी श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह एरी सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों में से एक हैं। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू करेगी। इसी के साथ टनल अपडेट से बने रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।